हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश। आप देख रहे हैं एशियन टेक्नोलॉजी। इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि यूजर से किस तरीके से हम एक ही लाइन में मल्टीपल इनपुट करवा सकते हैं, तो सॉरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम स्ट्रिंग को किस तरीके से कन्वर्ट करवा सकते हैं, स्ट्रिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला लेक्चर होगा स्ट्रिंग में, जो कि स्ट्रिंग बहुत ही यूजेबल होता है आप सभी के लिए। आपको जानना ज़रूरत है कि हम यार अगर हम किसी प्रोग्राम में बाय द वे अपर में लिख दिया या लोअर केस लिख दिया, तो हम उसे अपर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसका कितने वहाँ पे कैरेक्टर लिखे हैं, हम उसको चेक किस तरीके से कर सकते हैं। और जिसको एक सेंटेंस में मैंने 10 बार लिखा है ए को, हम तो ए को कितने बार लिखा है, मैं काउंट किस तरीके से कर सकता हूँ। तो ये सारा पोर्स होता है आपका स्ट्रिंग के अंदर। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रिंग का क्लास। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद भी आएगा। तो चलिए क्लास भी शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और लिख रहा हूँ, पहले अपना के बना रहा हूँ, फाइल बना रहा हूँ टच, और अपने फाइल का नाम, जो आपका फाइल का नाम लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं लिखने जा रहा हूँ str या ST लिखता हूँ, क्योंकि str तो कीवर्ड तो की तरह हो जाता है, str.py। तो चलिए ओपन कर लेते हैं यहाँ से इसको। तो हिंदी वाले में है ये, हिंदी नेपाली पाइथन प्रोग्राम कहाँ पे है, st यहाँ पे है। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रिंग। तो पहले मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ एक बार कि हम स्ट्रिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो ये इसमें पहले जो लेक्चर है ना, इसमें खास कुछ भी नहीं है। जैसे इससे पहले हम इसे पढ़ भी चुके हैं कि हम किस तरीके से स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं और किस तरीके से हम स्ट्रिंग में वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे कि पहले सबसे पहले बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग में वेरिएबल बना सकते हैं और उसे किस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेम है, और स्ट्रिंग हमेशा क्या होता है कि डबल कोट के अंदर होता है ना। मैंने आपको बहुत बार समझाया है, शायद आपको पता भी होगा पहले से ही, कि स्ट्रिंग जो है ना हमेशा डबल कोट के अंदर ही होता है। जैसे कि मेरा नाम हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे कि जो मेरा नाम है ना, वो जो राजेश है वो नाम पे आके असाइन हो जाएगा। तो अगर आप अब आप प्रिंट करेंगे नाम, तो प्रिंट हो जाएगा राजेश, क्योंकि राजेश जो है ना और नेम से इक्वल हो गया है। चलिए प्रिंट करके देख लेते हैं, आपको पता भी होगा ये वाला, क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं इसको। तो देखिए अगर हम नेम को प्रिंट करने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मैं राजेश को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मैं पहले क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाइथन, क्योंकि पाइथन आपको लिखना ही होगा अगर आपको प्रोग्राम को प्रिंट करना है। तो पाइथन लिखा, उसके बाद में लिखना है st.py, क्योंकि ये फाइल का नेम है ना। उसके में आप जब इंटर कर देंगे यहाँ पे, तो देखिए राजेश आ गया। इसका मतलब कि जो आपने यहाँ पे लिखा था वो सारा यहाँ पे आ गया। तो ये था हमारा पहला क्लास कि किस तरीके से हम इसे यहाँ पे वैल्यू को बना सकते हैं, उससे वेरिएबल में असाइन करके किस तरीके से उसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब दूसरी क्लास अभी समझ ले कि इसी ग्रुप में वीडियो में थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ कि जो आपको पता भी है कि हम यूजर से किस तरीके से उसका नाम इंटर करवा के उसको प्रिंट करवाते हैं। तो चलिए वो भी कर लेते हैं, यहाँ पर यूजर से इनपुट भी करवा लेते हैं, इनपुट, और क्या करवाते हैं, उसका नाम करवाते हैं, है ना। प्लीज इंटर योर फुल नेम, भाई अपना तो फुल नेम जो है ना वो इंटर कर दे, उसको मुझे प्रिंट करना है। तो चलो हो गया, मैं यहाँ पे जैसे ही प्रिंट करूँगा, देखिए यहाँ पे देखिए बोल रहा कि भाई अपना नाम इंटर कर दे, कोई नहीं तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे। राजेश इंटर किया, तो देखिए क्या हो जाएगा कि राजेश को प्रिंट भी कर देगा, क्योंकि यहाँ पे से जो आ रहा है ना वो स्ट्रिंग में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सीधे आप उसे प्रिंट करवा सकते हैं।
लेकिन क्या होगा कि अगर बंदे को हमें कहना कि भाई तू अपना फोन नंबर इंटर कर दे, फोन नंबर, अगर मुझे फोन नंबर इंटर करवाना है तो मैं यहाँ पे फोन लिख देता हूँ, तो फोन को जो है ना इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसको भी नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो फोन नंबर है उसको आपको ना तो ऐड करना होता है उसमें कुछ, ना तो उसमें कुछ माइनस करना होता है, यानी कि आपको मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होता है ना वो नहीं करना होता है। इसका मतलब कि आपको इसमें कुछ छेड़ खाली नहीं करना है, तो जैसे ही यूजर इनपुट करेगा वैसे ही आपको प्रिंट करवा देना है। तो चलिए करते हैं बड़ा, उसमें 1 2 3 4 5 कर दिया, ये देखो सेम प्रिंट हो गया। लेकिन क्या अगर आपको यूजर का ये ना पूछ के, अगर यूजर का आपको डेट ऑफ बर्थ पूछना है या उसका एज पूछ लेना है तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे? अगर आपने एज पूछ लिया है तो इसको क्या करना होगा, इस सारे को आपको कन्वर्ट करना होगा किस में, इंटीजर में। तो देखिए मैं कोड के अंदर कर दिया, तो यहाँ पे लिख दिया INT, तो अब आपने क्या किया यहाँ पे INT कर दिया, तो आपको क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं ये इसको। ये पहला वीडियो है ना जो ये बहुत ही आसान है, आपको समझ पहले से ही आया होगा। ये देखिए 14 हो गया। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे आपको लिखना हो जाए कि यार कि तेरा एज इतना है तो कैसे क्या करेंगे, तो हमेशा उसको डबल कोट में लिखना होगा आपको, डबल कोट योर एज इज, अब यहाँ पे एज चाहिए हमें ना, तो एज चाहिए तो आपको क्या करना होगा, ये ब्रेसेस लगाना होगा। लेकिन देखिए अभी कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, तो आपको ये जो एज है यहाँ से उठा के लाना है, उस टाइम पे आपको क्या ना करना होगा, यहाँ पे या फेंकना होगा ना, देखिए अब वाइट हो गया, तो ये आपको पहले से भी पता होगा। चलो मैंने लिख दिया 55, देखिए योर एज इज 55। तो ये था आज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो हम पहले कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रिंग के बारे में बहुत ही यूजेबल चीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून, गुड बाय।